सौरभ, सौरभ जी प्लीज आप भी गए, सौरभ पूछे। हाँ नहीं सबको पूछे। माननीय अध्यक्ष महोदय, 240 करोड़ का गोबर का भुगतान हुआ वो मंत्री जी के प्रशिष्ट के जवाब में आया। प्रशिष्ट के जवाब का हम लोग हिसाब लगा रहे थे तो 17 करोड़ हम हिसाब लगाकर बोल रहे हैं, उनके हिसाब से तो कुछ 86 लाख आ कर जो उन्होंने टोटल बताया, पर फिर से हमने हिसाब लगाया कि हमारा गलत कहीं पर फिगर मत हो जाए तो 17 करोड़। हमारा कुल मानना यह है कि आपने 286 करोड़ का गोबर खरीदा, 246 करोड़ का गोबर खरीदा, 17 करोड़ का वैल्यू एडिशन करने के बाद आपने 17 करोड़ की वैल्यू का सामान बेचा, वैल्यू एडिशन हुआ है, जो गोबर आपने खरीदा उससे वर्मी कंपोस्ट बनाया है, गोबर का पेंट बनाया है, उसको वैल्यू एडिशन करके 17 करोड़ का बेचा। ये 229 करोड़ रुपए जो शासन की राशि है ये बैलेंस कहां पर है? या तो फर्जी गोबर खरीदी हुई है, किसी के भी डाटा में चढ़ा दिया गया है गोबर, उतने मात्रा में गोबर उपलब्ध नहीं है जितने मात्रा में भुगतान किया गया है, तो वह फर्जी खरीदी है। चारा घोटाला से बड़ा घोटाला है गोबर घोटाला, और यह 229 करोड़ का क्लियर कट हिसाब नहीं आ रहा है उसमें। वो 229 करोड़ का गोबर स्टॉक इन वेटिंग है इनके पास, वो तो शासन की संपत्ति ना माननीय अध्यक्ष महोदय। 246 करोड़ रूपये भुगतान करके आपने खरीद लिया गोबर, और 17 लाख का आपने 17 करोड़ का सामान बेचा, 229 करोड़ का गैप है। हम यही पूछना चाहते हैं कि 229 करोड़ का गैप कहां पर है? मात्रा बताया और गोबर जिसने खरीदा वो मात्रा दिया, बेचा वो मात्रा दिया, कहां से गैप आया वो इसमें हमारा पूरा लिस्ट वहां रखा हुआ है, जोड़ के देख ले कहीं पर उसमें कोई कमी बेसी तो नहीं है। अगर 229 करोड़ का स्टॉक है तो बता दे, वो बता दे, वो बता दे, कहां ये बता दे, 229 करोड़ का हिसाब दे दे, 229 करोड़ का हिसाब देना, कहां है 229 करोड़, कौन सा 229 करोड़ का हिसाब? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष, मैंने हिसाब दिया तो जवाब में बोल रहे, चलिए 246 करोड़ की गोबर खरीदी हुई, 246 और 17 करोड़ का, वो तो 86 लाख का हिसाब बता दिया था, हम लोग जोड़ के उसको 17 करोड़ बना, उनका जो प्रशिष्ट पांडे उसमें 86 लाख का हिसाब किताब है, और उसके बाद 17 करोड़ हमने हिसाब लगाया तो 17 करोड़ खर्चा। अब आप हिसाब लगा लिए, 286 करोड़ में 17 करोड़ माइनस हो गया, 229 करोड़ रुपए का गोबर कहां पर है? अगर वो बिका नहीं, उससे उत्पादित वस्तु बिकी नहीं, तो कहां पर है वो स्टॉक 229 करोड़? गोबर बहा गया, वो चारा घोटाला से बड़ा घोटाला, या ये बता दो गोबर बहा गया पानी में, वो भी बताओ, फर्जी खरीदी हुई है, चलिए अध्यक्ष महोदय जवाब आना चाहिए, फर्जी खरीदी हुई है। अभी तो आप लोग डाटा मैं दिखा देता हूँ, अभी तो आप लोग मांगेंगे ना, इसके बाद उसमें कर लीजिएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक डाटा मैं दिखा देता हूँ, एक महिला से, तीन महिलाओं से, अकलतरा विकासखंड के गांव में तीन महिलाओं से 2,82,000 किलो गोबर खरीदा गया है, जिसका 5,65,000 का भुगतान किया गया है, और वो तीनों महिलाएं एक परिवार की है और उनके घर में गाय नहीं है। चलिए ये मैं बता रहा हूँ, प्रेस क्रमांक चार, यही तो 229 करोड़ का गोबर है, कहाँ गायब हो गया 229 करोड़? प्रेस क्रमांक चार, अजय चंद्राकर जी, अजय चंद्राकर जी उसको रख लीजिए, काम आएगा, अभी काम आएगा, इसके बाद रख लीजिए। माननीय अध्यक्ष जी एक जानकारी देखे, एक अध्यक्ष जी प्रेस क्रमांक 229 बड़ी राशि मान्य अध्यक्ष महोदय तो देंगे ना, बड़ी राशि 229 बड़ी राशि है, 229 करोड़ का, वो 229 करोड़, अभी क्या करेंगे आप अभी स्वास्थ्य संस्थान में क्या चर्चा कर रहे हो? वर्मी कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट उससे गोबर का पेंट बना, क्या बना, क्या अभी स्वास्थ्य संस्थान में क्या चर्चा करेंगे आप? अब ये प्रश्न काल है, आप विश्वास प्रस्ताव, हाँ तो जाए ना, जो ज्यादा है जाए, प्रस्ताव एक घंटे के समय लास्ट डे है, अरे इसका भी कुछ सोचो, पूछने गौठान के मामले में हमेशा प्रश्न हुए, हमने गौठान में जो खर्च किया गया ये खर्च निरर्थक है, इस बात को हमेशा कहा है, कहा माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने व्यक्तिगत रूप से निवेदन किया था कि आप लाख निकाल के हमको 5 गौठान दिखाने ले चलो, मुख्यमंत्री जी ने हाँ कहा, 2 साल में गौठान, आप इस बात को कई बार बोल चुके हैं, पूरे 36 गौठान आप कई बार बोल चुके हैं, नहीं कृषि मंत्री बदल गए, आप कई बार मंत्री बदल गए लेकिन गौठान नहीं देखा पाए, 229 करोड़ का गोबर मंत्री जी कृषि मंत्री बने कहां से बता पाएंगे अभी? चलिए चौबे जी बिहार के मंत्री जी बताए, 5 गौठान, ठीक है ना, हम मानते हैं, आप बैठिए तो सही, योजना मुख्यमंत्री जवाब आ जाए, माननीय नेता प्रतिपक्ष की स्थिति, ये लालू के चारा घोटाला से बड़ा घोटाला है,
अरे साबित हो रहा है, साबित कर रहा है। मैं कह रहा हूँ आखिर 200 मेरी बात सुन ले शर्मा जी शर्मा जी ये लोग पैसा है। अरे शर्मा जी सुन के ले अरे कुछ जिसके घर का पैसा नहीं है वर्मी कंपोस्ट के नाम चंदेल जी ओ चंदेल 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 जी एक प्लीज मैं क्या बैठू एक मिनट शर्मा जी भाई जाए प्लीज चंदेल जी मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ इसके बारे में चर्चा करने के लिए अभी आपके पास समय और मिल जाएगा एक मिनट इनके गोबर खरीदी को मैं गया हूँ कोठार को वहाँ गौठान में देखने जैसे राउत लोग चंडी के दूध देते हैं ना 3 पाव 1 किलो वैसी रजिस्टर बना हुआ है उस पर चढ़ाते जाते हैं गोबर नहीं आ रहा लेकिन रोज चढ़ा रहे हैं और उसके बाद में प्रदेश की और पैसा उनको जितना पंच लोग नहीं पा रहे उससे ज्यादा पैसा उनको दे रहे हैं ये 420 करने का और 2 नंबर करने का माननीय अध्यक्ष जी ये बड़ा मामला है प्लीज मैं खड़ा हूँ किस कोल्ड स्टोरेज नेता जी मैं खड़ा हूँ मैं कह रहा हूं ये आरोप लगाने के लिए आपको समय मिल जाएंगे मगर विधानसभा का आज अंतिम प्रश्न दिवस है बहुत सारे इम्पोर्टेंट है कुछ आने दीजिए इतना निवेदन है मेरा प्लीज अजय चंद्राकर जी प्रश्न करवा देंगे ना बाद में आप घोषित कर दीजिए आपका आरोप पूरा होगा चलो चंद्राकर जी मैं खड़ा हूं साहब चंद्राकर जी खड़ा हूँ खड़ा भैया सरकार है गोबर में समा गए हैं हम लोग जाएंगे देखने सरकार है गोबर में समा गए चल चल प्लीज ऐसा मत करिए आज के दिन मत करिए आज ऐसा मत करिए प्लीज चंद्राकर जी एक छोटा सा उदाहरण मैं बोल देता हूँ प्रश्न करूंगा फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में कह दिया कि गोबर खरीद के एक किसान करोड़पति बन गया मुंगेली जिले में अधिकतम एक आदमी 46-47 लाख का बेचा है और उन्होंने कह दिया कि आदमी 1 करोड़ किसी भी विधानसभा का ये हाल है क्या बोलेंगे चलिए आपका गला बैठ रहा है शाम तक ठीक हो जाए करिए चरवाहा गोबर बेच के 35 से 40 हजार रूपये मुख्यमंत्री जी का कथा है कितने चरवाहा कमा रहे हैं बता दो प्रदेश के कितने चरवाहा और मुंगेली जिले के माननीय मुख्यमंत्री बोले थे भुगतान में भुगतान नहीं रोक लेने का माननीय मंत्री उस समय तत्कालीन मंत्री चौबे थे माननीय अध्यक्ष अभी भी चले ठीक है।